यह मनाजर किसी खेल की कौमी टीम के एजाज में होने वाली तकरीब के नहीं बल्कि पीसीबी अंडर 19 वुमेन क्रिकेट टीम की फातह लाहौर टीम के एजाज में कनेड कॉलेज में होने वाली शायान शान तकरीब के हैं। एलसीसीए और कनेड कॉलेज लाहौर की जानिब से मुनक्कद की गई इस तकरीब में पीसीबी वुमेन विंग के अमला और चेयरपर्सन बुशरा एतजाज की हाजिरी से वाज़ेह तासुर मिला कि पीसीबी वुमेन विंग खवातीन में क्रिकेट के फरोग की ख्वाह है। पीसीबी अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट की बेहतरीन फील्डर और कप्तान लाहौर टीम फरियाला वान एशियन गेम्स में पाकिस्तान वुमेन टीम की फतह को पाकिस्तानी खवातीन में क्रिकेट के बढ़ते हुए रुझान की अहम करार दे रही हैं। जब से ये लोग एशियन गेम से मेडल्स विन करके आए हैं तब से उसके बाद मैंने देखा है कि लड़कियों में और ज़्यादा मतलब पैशन आया है, वो और क्रिकेट की तरफ आ रही हैं और मैंने देखा कि अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, अब ज़्यादा कंपटीशन हो गया, अब ज़्यादा ज़्यादा लड़कियाँ क्रिकेट की तरफ आ रही हैं और नई जनरेशन है उनको मतलब मैं यही कहूँगी कि उनको सपोर्ट करें, उनको कोचेज वगैरह कोचिंग प्रोवाइड करें। पीसीबी अंडर 19 वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट की बेहतरीन खिलाड़ी और पाकिस्तान वुमेन टीम की रिजर्व खिलाड़ी सिद्रा अमीन भी पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट का मुस्तकबल रोशन देख रही हैं। हमारी टीम उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, वो फाइनली उन्होंने मेहनत की, उनका उनको फल मिला, वो गोल्ड मेडल लेके आई है। मैं भी उन्हीं के साथ रिजर्व में थी, मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, इवन उनकी वजह से मेरी बैटिंग में और इम्प्रूवमेंट आई। फतह हासिल करने पर खिलाड़ियों को खराज तहसीन पेश करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अकवामे आलम को वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन और पाकिस्तानियों का आज़म आलीशान है। कैमरामैन आतिक मलिक के साथ आफ्ताब अहमद, ताबी, न्यूज़ 1 लाहौर।